दोस्तों, पूर्वी भारत में स्थित ओडिशा कई खूबसूरत जगहों और बेजोड़ प्राकृतिक सुंदरता का घर है। बेजोड़ प्राकृतिक नज़ारे का घर होने के बावजूद भी ओडिशा आज भी पर्यटक की नज़रों से दूर है। प्राचीन वास्तुकला से निर्मित मंदिर, समुद्र और खूबसूरत झरने, जी हाँ झरने, ओडिशा में कई ऐसे खूबसूरत झरने हैं जो ओडिशा के पर्यटन में खास भूमिका निभाते हैं। ऊंचे पहाड़, समुद्री मैदान पर घने जंगल के पीछे छुपे हुए ओडिशा के झरने पर्यटकों को अपनी असीम खूबसूरती से हैरत करते हैं। क्यों ना इन छुट्टियों में घूमे जाए ओडिशा के टॉप 5 हाईएस्ट वाटरफॉल्स, जिनकी शीतलता मन को और आत्मा को शांति पहुंचती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल कार्निवल। नंबर 1 पर है बरेपाणी जलप्रपात। ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित 1309 फुट यानी कि 400 मीटर ऊंचाई से नीचे गिरने वाला यह जलप्रपात भारत का दूसरा और ओडिशा का प्रथम सबसे ऊंचा झरना है। यह झरना सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में पड़ता है। बरेपाणी जलप्रपात राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा होने के नाते हरे वनस्पति और विविध वन्य जीवन में समृद्ध है। ये दो हिस्सों में बंटकर गिरने वाला झरना है। यह झरना बुधबलंग नदी के प्रवाह मार्ग पर बना है, जो मेधासुनी पर्वत के ऊपर से होकर गुजरती है। राष्ट्रीय उद्यान के कारण ये झरना घने जंगलों से घिरा हुआ है। नंबर 2 पर है खंडाधार जलप्रपात, जो ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। ये भारत की चुनिंदा सबसे ऊंचे जलप्रपात में गिना जाता है, जिसका ऊंचाई 801 फीट यानी कि 244 मीटर है। यह जलप्रपात सुंदरगढ़ जिले के अंतर्गत प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है, जहाँ पर्यटक आना पसंद करते हैं। ये एक अद्भुत जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई पर्यटकों को काफ़ी ज़्यादा रोमांचित करती है। खासकर मानसून के दौरान यहाँ की खूबसूरती देखने लायक होती है। एक शानदार अनुभव के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। नंबर 3 पर आता है डुडुमा वाटरफॉल, जो मत्स्य तीर्थ नाम से भी जाना जाता है। एक कोरापुट का प्रमुख खोजा गया पर्यटन स्थल है। जयपुर से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित डुडुमा वाटरफॉल माचकुंड नदी से प्रारंभ होता है तथा ये दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, जिसकी ऊंचाई 574 फीट यानी कि 175 मीटर है। इसे नाटकीय रूप से 2 भागों में बांटा गया है, एक भाग ओडिशा में तथा दूसरी आंध्र प्रदेश में। इस प्रकार ये 2 राज्यों की सीमा रेखा बनता है। मानसून के मौसम में प्रपात अपनी चरम सीमा पर होता है। नंबर 4 पर आता है खंडाधर वाटरफॉल। खंडाधर झरना ओडिशा में क्यों झर का सबसे प्रसिद्ध झरना है। इस झरने को भारत के प्रसिद्ध 12 झरनों में से एक और ओडिशा के 4th सबसे ऊंचा झरना माना जाता है। इस झरने का आकार घोड़े की तरह दिखता है। ये लोगों के बीच मुख्य पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है और यहाँ साल भर में हजारों पर्यटक सैर के लिए आते हैं। यहाँ बहने वाली धारा को कोरापानी नाला कहा जाता है, जो 500 फीट यानी कि 150 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। नंबर 5 पर है जोरंदा जलप्रपात। ओडिशा के मयूरभंज जिले में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित जोरंदा जलप्रपात भारत का 19वां और ओडिशा का 5वीं बड़ा झरना है। इसकी कुल ऊंचाई 490 फीट यानी कि 150 मीटर है। बरेपाणी झरना घूमने आने वाले पर्यटक इस खूबसूरत झरनों को भी देखने और घूमने आते हैं।